गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएचएससी बायोलॉजी। आम आज बीट क्वेश्चन सीरीज रो तीन नंबर क्लास देखिबा। पूर्व वीडियो भली आम वीडियो रे मध्ये 10 टी क्वेश्चन नहीं कि आसे। जदि आपनकु मो वीडियो भल लागुछि तो वीडियो लाइक करिबे आ नुआ नुआ वीडियो पई मो चैनल को सब्सक्राइब करिबे। तो चलंतु आज भी देखिए 10 टी बीट क्वेश्चन उपरे। तो प्रथम क्वेश्चन होची की डेवलप्स फ्रॉम डेस। ऑप्शन देची एग, ओभारी, ओव्यूल एंड इंटेगुमेंट। से कहिछि ना गोटे प्लांट रे जो सीड बा मंजी होची से को भीतर डेवलपमेंट करे। तो जदि आम क्वेश्चन देखिबा ये होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रो क्वेश्चन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रो क्वेश्चन आसी ना आम देखुले कौन देखुले ना गोटे प्लांट रे फर्टिलाइजेशन परे को पार्टी कौन चेंजेस होतला। तो फर्टिलाइजेशन कौन होतला प्रथमे आमर जो एग अच्छी एग सहित स्पर्म बा मेल गैमेट रो फर्टिलाइजेशन बा फ्यूजन पर जायगोट तैयार होतला। ता सहित आमर जो पोलर न्यूक्लियस बा सेकेंडरी न्यूक्लियस अच्छी ता सहित आउ गोटे स्पर्म रो कौन होतला ना डबल फर्टिलाइजेशन फलर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रे चेंज होतला एवं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस परवर्ती समय रे जाई कौन करतला एंडोस्पर्म तैयार करतला। एति आपण मान जानछली। ता सहित आमर जो केतोटी पार्ट थिला से भितर थिला ओव्यूल। ओव्यूल कौन होतला परिवर्तन होतला आपण मानकर सीड रे। ता सहित ओभारी जो थिला ओभारी परिणत होतला फ्रुइट रे। आउ इंटेगुमेंट जो अछि ये कौन होतला ना सीड कोट रे चेंज होतला। ए सब जिन सब आपण मान पय मन रखिया पय पडियो। तो आंसर कौन हबो ना सीड को भितर कोड तैयार हुए तो आंसर हबो ओव्यूल। जदि आपण मानु सीड न पचारी फ्रुइट पचारथिले से हिसाबदा आंसर ओभारी। से पचार जायगोट कोड तैयार हो तो आंसर रही था एक। इंटेगुमेंट कौन तैयारी करे ना आपण मान सीड कोट। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एफ वन हाइब्रिड इज ऑलवेज। ऑप्शन देची हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेमिजाइगस, डोमिनेंट। तो आम टे ऑप्शन रो टर्मिनोलॉजी विषय जानदेबा ना हेट्रोजाइगस कौन ना जो जेनेटिकली कंडीशन रे जो दीटा एल एल अच्छे से इक्वाल होते सॉरी इक्वाल न कि डिसिमिलर होते आम कह हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जांपल जो कैपिटल टी स्मॉल टी ए भाया होती कैपिटल एच स्मॉल एच ए भाया होती ना कैपिटल आर स्मॉल आर हो जो दीटा जाक एल एल अच्छे गोटे पार्टिकुलर जीन रे जो सिमिलर न कि अलग अलग होते आम कहते कौन हेट्रोजाइगस। सिमिलरली जदि दीटा एल एल जदि इक्वाल है कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल टी स्मॉल टी नॉले स्मॉल टी जो दीटा जाक इक्वाल हो गले आम कह कौन कहते ना होमोजाइगस। तो यहाँ आम देखा ना एफ वन हाइब्रिड कौन ना जो आम मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देखुले ना से देखुले ना जदि गोटे पी वन जेनेसन दीटा पेरेन्ट जदि क्रस करती सेमान क्रस फल जो नुआ जेनेसन तैयार हुए आम एफ वन कौ फास्ट फिलियाल जेनेसन ओडिया कौ आम प्रथम आपत्य जेनेसन। तो कौन होता ना जो आम क्रस करुले कौन होता ना एफ वन जेनेसन सब कौन होता ना दीटा दीटा डिफरेंट एल एल थी गोटे अर्गानिजम मिलता जहाँ आम कहते हाइब्रिड एफ वन हाइब्रिड। तो आर आंसर हम एफ वन हाइब्रिड इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखु व्हेन ए कोडोन कोड्स फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड इट इज कॉल्ड एज डैश कोड। देखते अमीनो एसिड बा जेनेटिक कोड रु क्वेश्चन आसी जेनेटिक कोड कौन ना आम देखा जदि गोटे एमआरएनए रे नाइट्रोजिनियस बेस कौन है गोटे सिक्वेन्सीआल एन एरे एरेन्ज होता से भितर कौन ना प्रत्येक तीन तीन टा सेट अफ थ्री नाइट्रोजिनियस बेस गोटे पार्टिकुलर अमीनो एसिड पे कोड करती जोटा कि परवर्ती समय रे जाए कि गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन तैयारी करे। तो माने जेनेटिक कोड कौन ए सिक्वेंस ऑफ थ्री नाइट्रोजिनियस बेस इज कॉल्ड एज योर जेनेटिक कोड। तो आम देखा ना जेनेटिक कोड जो अच्छी जेनेटिक कोड कौन ना 64 टाइप रो जेनेटिक कोड अच्छी किंतु कौन ना अमीनो एसिड कौन हो 20 प्रकार अमीनो एसिड अच्छी। तो पिला कौन के कंडीशन होची
ना बेले बेले गोटे जेनेटिक कोड मनकर एयूजी गोटे जेनेटिक कोड मनकर नौ एयूजी जो न नेबा यू 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 गोटे मनकर जेनेटिक कोड अच्छी ये गोटे गोटे अमिनो एसिड्स पे न कोड करी बहुत गुडे अमिनो एसिड पे जब कोड कर तो मैंने ए कंडीशन कह कौन डी जेनेट ठीक अच्छे आ गए कंडीशन मन रखी था जेनेटिक कोड कॉन्सेप्ट ना 64 जेनेटिक कोड रु 61 जेनेटिक कोड कौन करती ना अमिनो एसिड पे कोड करती आउ जो तीनो रही है कौन सी प्रकार अमिनो एसिड पे कोड करती तो जो तीन टा जेनेटिक कोड कौन सी प्रकार अमिनो एसिड पे कोड करती आपको आम कौन स्टॉप कोड और नॉनसेंस कोड तार उदाहरण मन रखी था UAA, UAG and UGA तो स्टॉप कोडन कोड कौन UAA, UAG and UGA आउ गोटे मन रखी था आउट इनिशियल कोडन अच्छी ता नाम AUG विच कोड्स फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन तो आर आंसर कौन हम आर आंसर हम डी जेनरेट दुई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो संकेन्स टोमाटा इज ए कैरेक्टर ऑफ संकेन्स टोमाटा कौन ना केतरा प्लांट रे टोमाटाटा बहुत माने डीप को पलै थाए पूरा संकेन हे कि रहिथाए टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशंस तो ए प्रकार टोमाटा को प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आंसर हम जीरोफाइट प्लांट मान जेहेतु गोटे वाटर रो स्ट्रेस कंडीशन रे जो कंडीशन रे कि वाटर अवेलेबिलिटी हुए ना से मेनली देखा जाती तो से पाखे वाटर सब कैपेसिटी बा वाटर सब कम रही है तेणु से जो वाटर लॉस को बचापी वाटर लॉस रु बचापी से कौन करती टोमाटार किसी मॉडिफिकेशन करती जो भितर कि टोमाटा बहुत डीप और लीफ रो बहुत डीप को जाएगी थाए जो द्वारा कि बहुत कम परिमाण ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस होता है तो यहाँ कैरेक्टर हूँ गोटे जेरोफाइटिक प्लांट ता गोटे मो पॉइंट कोई दोची ना हाइड्रोफाइटर भी गोटे इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेस और प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू ना केतरा प्लांट रे कौन थाउची ना सेमानंकर स्टेम रे किछि एक्स्ट्रा एयर स्टोरिंग टिश्यू थांदी जाको आमे कहू एरेनकाइमा टू प्रोवाइड द बायोन्सी टू द प्लांट तो पानी भितर रे फ्लोट करिया पई किसी स्टेम जगार खाली एयर स्पेसेस थाए जहाँ आम कौ एरेनकाइमा कैरेक्टरिस्टिक कौन हाइड्रोफाइट ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनाक्टेड इन तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के होता ये होता 1980 रे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो एक्ट सहित रिलेटेड केतरा आपण मान डेट को मन रखा पड़ो ठीक अच्छे से जिनस मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु इंटरनल बॉड ऑफ द स्पंजेस इज कॉल्ड एज द गेमा कप ना स्पंजेस जो अच्छा वाटर स्पंजेस रे से बॉड जो अच्छी इंटरनली बॉड देखा जाए था जहाँ को आम गेमा कप न कही था गेम्यूल तो इंटरनल बॉड ऑफ द स्पंजेस इज कॉल्ड एज द गेम्यूल ठीक अच्छे देखु नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इन बफर जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हूँ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर गोटे प्रोजेक्ट द्वारा तैयारी करा जाए गोटे प्रोजेक्ट जो भितर कि कौन थाए ना गोटे पार्टिकुलर लैंड को डिफरेंट डिफरेंट जोन रे डिवाइड करी प्लांट और एनिमल मानकर कंजर्व बा संरक्षण करा जाए था तो बायोस्फीयर रिजर्व रे पिलाने मुख्यतः तीन प्रकार जोन थाए गोटे हूँ सेंटर रे गोटे जोन थाए जहाँ आम कौ कोर जोन ता पर मिडिले थाए बफर जोन तापर लास्ट रे थाए ट्रांजिशन जोन तो मिडिल जोन जो अच्छे मिडिल जोन रे केवल एंडेंजर प्लांट और एनिमल स्पेसीस कंजर्वेशन होता ए भितर कोर जोन भितर कौन प्रकार ह्यूमन एक्टिविटी परमिट हो न था
ता तले बफर जोन रे कौन थाए ना आदिवासी मानंकर कौन थाए ना हाउस सब तैयारी करा जाय थे जो जो द्वारा कि सेमाने भी प्लांट रो कंजर्वेशन पे किछिटा रोल प्ले करथें। तो बायोस्फीयर रिजर्व रे को जोन रे ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नै सी हब बफर जोन न होई कि कोर जोन। ठीक अछि व्हेन साइटोप्लाज्म आर फ्यूज्ड एंड वन ऑफ द न्यूक्ली लॉस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड। तो ये आपण मानकर क्वेश्चन आसी प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन और सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन टू। सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन में कौन होता ना दीटा सोमाटिक सेल सेल को लेकिन आम कौन करते ना ताको फ्यूजन करते फ्यूजन कला टाइम दीटा प्रोटोप्लाज्म को लेकिन फ्यूज करते से भितर फ्यूज कला टाइम जदि गोटे सेल प्रोटोप्लाज्म सहित न्यूक्लियस आउ गोटे सेल जदि ओनली प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन है जो द्वारा कि गोटे न्यू सेल जो या कहला हाइब्रिड कहला हाइब्रिड हाइब्रिड कौन ना हाइब्रिड इज ए फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेल्स इफ वन सेल कंटेन्स होल होल प्रोटोप्लाज्म ए अदर सेल कंट्रीब्यूट्स ओनली प्रोटोप्लाज्म। ता माने गोटे सेल रो सेल प्रोटोप्लाज्म सहित न्यूक्लियस आ गोटे सेल रो ओनली साइटोप्लाज्म रो जदि फ्यूजन होला ताको हम कहथले हाइब्रिड। तो आर आंसर हाइब्रिड न होई कि हबो हाइब्रिड। ठीक अछि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डीएनए फ्रॉम एमआरएनए इज ट्रांसलेशन। देखंतु आमे देखुतले सेंट्रल डोग्मा रे कौन होता ना सी सी डीएनए दो एम डीएनए दो ये सी डीएनए रोज कम्प्लीमेंटरी डीएनए से जहाँ दौर दो जदि एमआरएनए बा आरएनए रु डीएनए तैयार है ताको आम कौन कहते ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक अच्छे तो देखो तो आम कौन पढ़ुले ना प्रथम कौन होता ना डीएनए रु डीएनए तैयार होता आपको आम कहते प्रोसेस कहते ना रेप्लिकेशन से भाया डीएनए रु एमआरएनए बा आरएनए तैयार होता आपको आम कहते ट्रांसक्रिप्शन आउ एमआरएनए रु गोटे प्रोटीन तैयार होगा कहते आम ट्रांसलेशन। किंतु केतरा रेट्रोभाइरस रे कौन होता ना आरएनए से मानो जेनेटिक मटेरियल थिला एवं आरएनए रु डीएनए तैयार होता। जो प्रोसेस रे आरएनए रु डीएनए तैयार हुए ताको हम कहबा ट्रांसक्रिप्शन रो जे तो रिवर्स हो जी आपको हम कहबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तारा आंसर हबो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक अछि तो लास्ट क्वेश्चन आज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज आर मु आंसर कहूनी आपण मैंने जानते यार आंसर मत कमेंट सेक्शन में कहतु ना बायोगैस जो अच्छी तार मेजर कंपोनेंट कौन। ठीक अच्छे तो आज एति आउ मु भावी जब नेक्स्ट वीडियो रे किसी इंपोर्टेंट डिफरेंस आ किसी इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स नहीं कि आसबी। तो रहुची धन्यवाद।